यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों की दमन से सुनहरा कल भी निकलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिससे आप घर बैठे 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को महिलाएं भी कर सकती हैं, और आप अपनी नौकरी करते करते कुछ एक्स्ट्रा इनकम करके पैसे कमाई करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो आप अपनी नौकरी करते करते भी घर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज जो बिजनेस आपको बताने जा रहा हूँ वह कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। केवल आपको कुछ घंटों की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको जो बिजनेस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ उस बिजनेस का नाम है चूना ट्यूब बनाने का बिजनेस। चूना ट्यूब बिजनेस करने के लिए आपको बहुत कम लागत की जरूरत होती है। इस बिजनेस को आप सिर्फ 15,000 रुपये की लागत से शुरू कर सकते हैं, और इस बिजनेस से आप महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में जितना ज़्यादा मेहनत होगी उतनी ही ज़्यादा कमाई भी होगी। अगर आपको इस बिजनेस में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को हम पूरे 4 पॉइंट में समझेंगे जिससे आपको इस बिजनेस की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। नंबर 1, चूना ट्यूब बिजनेस के लिए जगह। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करते समय आपको जगह पर ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि आप उस बिजनेस में जल्दी आगे बढ़ पाएं। अगर आप चूना ट्यूब का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने मार्केट में जाकर पता करें कि चूना ट्यूब सप्लायर कौन है। ये पता करने के लिए आप सबसे अच्छा पान भंडार की दुकान पर जाएं और वहां पर पता करें कि कितने रुपए का पैकेट वो सेल करता है, जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको कितने रुपए में पैकेट को सेल करना है, और उसे आप अपने हिसाब से प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप कम समय में ज़्यादा चूने की डिब्बी कैसे तैयार कर सकते हैं, तो नंबर 2 को जरूर देखिए। नंबर 2, चूना ट्यूब बनाने की मशीन। चूना ट्यूब बनाने के लिए आपको एक छोटी मशीन जरूरत होती है। इस मशीन के सहारे से आप ट्यूब फिल कर सकते हैं। इस मशीन को आप मार्केट से 8,000 रुपये में खरीद सकते हैं, या आप इंडिया मार्ट की साइट से भी खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस मशीन से आप मैनुअली 700 से लेकर 1,000 ट्यूब फिलिंग कर सकते हैं, यानी एक ही आदमी 8,000 ट्यूब फिल कर सकता है, और आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे तो आप कोशिश करिएगा कि महिलाओं को काम पर रखना, जो कि आपको ज़्यादा रेवेन्यू देकर जाएंगी। सिर्फ एक बार आप इसे शुरू कर लिए तो आप बड़े आसानी से इससे रोज की अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम मशीन के बारे में जान गए, लेकिन अब हम रॉ मटेरियल और प्राइस के बारे में जानेंगे, तो नंबर 3 को जरूर देखिए। नंबर 3, चूना ट्यूब बनाने के लिए रॉ मटेरियल और प्राइस। चूना ट्यूब बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वह चूना पाउडर, और उसी के साथ आपको इसके लिए पानी जरूरत होती है, और साथ में आपको छोटे बड़े बर्तन की भी जरूरत होती है। इस बिजनेस में जो चूना पाउडर मिलता है उसकी कीमत आपको 7 रुपये किलो से मिल जाता है, और इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से खरीद सकते हैं। और उसी के साथ आपको चूना ट्यूब फिलिंग करने के लिए ट्यूब की ज़रूरत होती है, वो आपको 20 पैसे के हिसाब से मिल जाती है। इसे भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर 4, चूना ट्यूब बनाने का बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन। चूना ट्यूब बनाने के बिजनेस में प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस में लगने वाला चूना पाउडर से आप 1 किलो में 300 से 350 पीस बना सकते हैं। इसमें आपका 1 किलो पाउडर का खर्च 7 रुपये आता है, और ट्यूब को मिलाकर आपको 1 किलो में 350 और 2 किलो में 700 ट्यूब आपका 70 से 80 रुपये में तैयार हो जाता है, और मार्केट में आपका 700 ट्यूब का एक बॉक्स 200 में बिकेगा, यानी एक बॉक्स के पीछे आपको 100 रुपये तक का प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसे ही आप 5 बॉक्स भी मार्केट में रोज बेच दिए तो आप 500 रुपये का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। चूना ट्यूब को आप मार्केट में होलसेल प्राइस में बेच सकते हैं। इसका ज़्यादा डिमांड पान की भंडार और पान गुटखा की दुकान में होता है। ऐसे अगर आप अलग अलग एरिया में अलग अलग 10 दुकान भी पकड़ लेते हैं तो आपका रोज का कमाई 1,000 रुपये तो पक्का है। तो जो लोग भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं वे लोग कमेंट में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड। अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण हरे राम।